श्री रामकृष्ण देव की वाणी। भगवान विषय में ठाकुर कहते हैं, रात्रि के समय तुम आकाश में अनेक नक्षत्र देखते हो, परंतु सूर्योदय होने पर नहीं देखते। तो क्या इसी कारण तुम कह सकते हो कि दिन के समय आकाश में नक्षत्र नहीं होते? हे मानव, क्योंकि तुम अपनी अज्ञान अवस्था में भगवान को देख नहीं पाते, इसी कारण यह न कहो कि भगवान नहीं है। भगवान के असंख्य नाम और अनंत रूप है, जिनके माध्यम से उनके निकट पहुंचा जा सकता है। जिस किसी भी नाम और रूप में उनकी पूजा करोगे, उसी के माध्यम से उन्हें प्राप्त करोगे। सत्य एक ही है, अंतर है नाम और रूप का। एक ही जलाशय के तीन या चार घाट हैं, पर हिंदू पानी पीते हैं उसे जल कहते हैं, दूसरे पर मुसलमान उसी को पानी कहते हैं और अंग्रेज तीसरे पर उसी को वाटर कहते हैं। तीनों का तात्पर्य एक ही वस्तु से है, भेद केवल नाम का है। इसी प्रकार कुछ लोग सत्य को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, कुछ गॉड कहकर और कुछ लोग ब्रह्म कहकर, कुछ काली कहकर तो कुछ लोग राम ईसा दुर्गा तथा हरि नाम लेकर पुकारते हैं। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि भगवान केवल यह है और कुछ नहीं। वे निराकार हैं और फिर साकार भी। भक्तों के लिए वे रूप धारण करते हैं, किंतु ज्ञानी की दृष्टि में वे अरूप ही हैं। जानते हो यह किस प्रकार है? सच्चिदानंद परब्रह्म एक अनंत समुद्र के समान है। तेज ठंडक के कारण समुद्र में यत्र तत्र बर्फ की चट्टाने तैयार हो जाती हैं। इसी प्रकार मानो अपने उपासकों की भक्ति की शीतलता के प्रभाव से अनंत अपने को शांत रूपांतरित करता है और उपासकों के सम्मुख साकार भगवान के रूप में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में भगवान अपने भक्तों के सम्मुख शरीरधारी व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। पुनः जिस प्रकार सूर्योदय होने पर समुद्र के ऊपर की बर्फ पिघल जाती है, उसी प्रकार ज्ञान का उदय होने पर देहधारी भगवान फिर से अनंत एवं निराकार ब्रह्म में लय हो जाते हैं। तब साधक को ऐसा अनुभव नहीं होता कि भगवान एक व्यक्ति हैं, और न तब भगवान के रूप ही दिखाई देते हैं। परंतु यह ध्यान रखो कि साकार एवं निराकार दोनों एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। एक बार एक मनुष्य जंगल में गया, वहां उसने एक वृक्ष पर एक सुंदर प्राणी देखा। बाद में उसने उसके विषय में एक मित्र से बताया और कहा, भाई जंगल में एक वृक्ष पर मैंने एक लाल रंग का प्राणी देखा। मित्र बोला, मैंने भी उसे देखा है, तुम उसे लाल क्यों कहते हो, वह तो हरा है। एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम उसे हरा क्यों कहते हो, वह तो पीला है। इसके बाद अन्य लोग उस जंतु को बैंगनी नीला या काला कहकर वर्णन करने लगे। अब इस रंग की बात को लेकर उनमें झगड़ा होने लगा। अंत में वे उस वृक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने एक व्यक्ति को उसके नीचे बैठा देखा। उनके प्रश्नों के उत्तर में उसने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे रहता हूँ और उस जंतु को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लोग उसके विषय में जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। कभी वह लाल होता है, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला और कभी अन्य अन्य रंगों का। वह गिरगिट है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि उसका कोई भी रंग नहीं है। इसी प्रकार जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, वह उनके रूपों तथा अवस्थाओं को जान सकता है। भगवान के अपने गुण हैं, साथ ही वे निर्गुण भी हैं। केवल वही व्यक्ति जो वृक्ष के नीचे रहता है जानता है कि गिरगिट विभिन्न रंगों में दिखाई दे सकता है और कभी कभी एकदम रंगहीन हो जाता है। दूसरे लोग जो पूरे सत्य को नहीं जानते, परस्पर झगड़ा करते रहते और कष्ट पाते हैं। भगवान निराकार हैं और साकार भी। फिर इन दोनों अवस्थाओं के परे जो हैं वह भी हैं।
केवल वे ही स्वयं जानते हैं कि वे क्या क्या हैं। जो लोग उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए वे नाना प्रकार के नाना रूपों में स्वयं को व्यक्त करते हैं, किंतु निश्चय ही वे साकार अथवा निराकार की सीमा में आबद्ध नहीं है। भगवान साकार है, साथ ही निराकार भी। एक बार एक सन्यासी जगन्नाथ मंदिर में आया। जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखते हुए वह मन ही मन तर्क करने लगा कि भगवान साकार है अथवा निराकार। उसने अपनी लाठी को बाएं से दाएं घुमाया यह देखने के लिए कि वह मूर्ति को स्पर्श करती है अथवा नहीं। लाठी ने कुछ भी स्पर्श नहीं किया। उसने समझ लिया कि उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है और वह इस सिद्धांत पर आया कि भगवान निराकार हैं। दूसरी बार लाठी को दाएं से बाएं घुमाया। इस बार लाठी ने मूर्ति का स्पर्श किया। सन्यासी ने समझ लिया कि भगवान के रूप है। इस प्रकार उसने अनुभव कर लिया कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। अग्नि के कोई एक आकार नहीं है, परंतु जलते अंगारों के रूप में उसके विभिन्न आकार हो जाते हैं। इस तरह निराकार अग्नि आकार युक्त दिखाई देती है। इसी प्रकार निराकार भगवान भी नाना स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, परंतु बहुत दूर होने के कारण वह केवल एक थाली जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार भगवान अनंत हैं, किंतु उनसे बहुत दूर होने के कारण हम उनकी वास्तविक महिमा का अनुभव नहीं कर पाते। निर्गुण और सगुण, ब्रह्म और शक्ति, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, अर्थात जब वे सृष्टि स्थिति एवं संहार के कार्य में रत नहीं रहते, तब हम उन्हें ब्रह्म कहते हैं। किंतु जब वे इन कार्य कलापों में लगे रहते हैं, तब हम उन्हें काली अथवा शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार एक ही सब्जी को उबालकर, तलकर, सूखी या रस्सेदार सब्जी बनाकर खाया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद होती है, उस प्रकार विश्व नियंता ईश्वर एक होते हैं। अपने उपासकों को विभिन्न रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्रत्येक साधक की भगवान के विषय में अपनी धारणा होती है, जिसे वह सबसे अधिक मूल्य देता है। किसी की दृष्टि में वे दयालु स्वामी हैं अथवा वात्सल्यपूर्ण पिता या मधुर हासिनी माँ है। किसी की दृष्टि में वे सुहृद सखा है, तो किसी के लिए वे धर्म परायण पति अथवा कर्तव्य निष्ठ एवं आज्ञाकारी पुत्र हैं। भगवान चीनी के पर्वत के समान हैं। एक छोटी चींटी उससे चीनी का एक छोटा सा कण ले जाती है, तथा उससे बड़ी चींटी कुछ बड़ा कण, किंतु फिर भी चीनी का पर्वत जैसा का वैसा ही बना रहता है। भगवान के भक्त चींटियों के समान हैं। भगवान के एक ही दिव्य भाव को पाग वे आनंद में विभोर हो जाते हैं। उनके समस्त ऐश्वर्य एवं भावों की कोई भी अपने भीतर धारणा नहीं कर सकता। जिस प्रकार शीशे का टुकड़ा पारे के पात्र में पड़ने पर शीघ्र ही उसमें घुल जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा जब ब्रह्म समुद्र में गिरता है, तो अपने सीमित अस्तित्व को खो उस समुद्र में गल कर समा जाता है। जल और जल का बुलबुला वस्तुतः एक ही है। बुलबुला जल से ही उत्पन्न होता है, जल ही पर रहता है और अंत में जल ही में समा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा वस्तुतः एक ही है। उनमें भेद केवल उपाधि के तारतम्य का है। एक पराधीन है, दूसरा स्वाधीन। ईश्वर और जीव का संबंध वैसा ही है जैसा चुंबक और लोहे का। तब फिर ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करते? जिस प्रकार अत्यधिक कीचड़ में लिपटा हुआ लोहा
चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, उसी प्रकार अत्यधिक माया में लिप्त जीव ईश्वर के आकर्षण का अनुभव नहीं करता। किंतु जिस प्रकार पानी से कीचड़ के धुल जाने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार अविरत प्रार्थना तथा पश्चाताप के अश्रुओं द्वारा संसार बंधन में डालने वाली माया का वह कीचड़ जब धुल जाता है तो जीव शीघ्र ही ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है। जय श्री राम कृष्ण।